हाय फ्रेंड्स, प्यारा कुनवा में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बेबी को अगर गैस हो जाती है तो उसके लिए घर में क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि माँ का दूध ही बच्चे को मिले, क्योंकि माँ का दूध तो सब जानते हैं कि बच्चे के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। उससे बच्चे को जो है, बेबी को जो है, हर प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत मिलती है, बैक्टीरिया से, वायरस से, सब तरह की चीज़ों से। और सेकंड बात मैं ये बोलूँगी कि आप बच्चे को फीड कराने के बाद या उसको फॉर्मूला मिल्क पिलाने के बाद डकार ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि जैसे ही आप डकार दिलवा देंगे, इसके बाद जो भी प्रोसेस होती है गैस बनने की वो नहीं होगी। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अपने बच्चे की या अपने बेबी की हल्के हाथों से पेट की मालिश करें और एकदम स्लो मोशन में चारों साइड अपने हाथों को अच्छे से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बच्चे की मालिश करें। होम रेमेडी में बस एक ही रेमेडी बताना चाहूँगी जो कि बच्चों के लिए काफ़ी असरदार होती है, जिसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता देती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होगी हींग, जो भी सभी घरों में आसानी से मिल जाती है। तो एक सबसे पहले चाहिए होगा एक कटोरी, एक पिंच हींग, ज़्यादा नहीं लेंगे, एकदम थोड़ी सी हींग लेंगे। तो मैंने ये थोड़ी सी हींग ले ली है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्का गुनगुना पानी। पानी ज़्यादा गर्म ना हो, आपकी हींग अच्छे से घुल जाए उतना ही पानी कीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक कि ये घुल ना जाए। इसका गाढ़ा सा बोलिए या पतला सा बोलिए, पेस्ट अच्छे बना से लेना घोल है। लिया है। देखिए तो ये इस टाइप का पेस्ट कुछ रेडी हो जाएगा। इसको हम बच्चे की टमी पे अप्लाई करेंगे। आपको करना ये है कि इस पेस्ट को नाभि के चारों ओर अच्छे से अप्लाई करना है, बच्चे की नाभि के चारों ओर इसको लगा देना है। इससे आपके बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को आप हमेशा बैठा कर ही फीड करवाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेटे लेटे फीड करवाने से भी बच्चे को गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। और यस, डकार लेना बहुत ज़रूरी है, बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उनके गैस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आपका बच्चा 10 मंथ से बड़ा है तो आप क्या करेंगे कि एक चम्मच गुनगुने पानी में एकदम चुटकी भर हींग को घोल के अपने बच्चे को दे दें। या सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी आप अपने बच्चे के लिए खाना बनाएंगे उसमें आप जरा सी हींग डाल दें या फिर अजवाइन डाल दें, जिससे कि प्रॉब्लम हो ही ना। और अगर ये आप उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो मुझे अपने डॉक्टर ने बताया था, जिससे मैं अपने बेबी को दिखवाती हूँ। उन्होंने बोला था कि अगर आपके बेबी को गैस का प्रॉब्लम हो जाता है तो आप अजवाइन लीजिए, उसको कॉटन के कपड़े में बांधिए और तवे पे सेक कर बच्चे की हल्के से उससे सिकाई कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात याद रखना कि आप जब उससे सिकाई करें तो देख लेना कि वो ज़्यादा गर्म ना हो, आपके बेबी को उससे हर्ट ना हो, कहीं वो जल ना जाए। ये नुस्खा मैंने आजमाया तो नहीं, बट आई होप कि ये अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा। बस एक ही बार मेरे बेबी को गैस प्रॉब्लम हुआ था जब मैंने उसको फॉर्मूला मिल्क दिया था, उसके बाद कभी उसको गैस प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मैंने हींग वाला उपाय किया था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर करना ना भूलिएगा।